are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. नए अहदनामा की किताब जिसका एक ही चैप्टर है यहूदा का आम खत, मैं चाहता हूं कि आज हम उसे निकालें और इसी से आज हम स्टडी को शुरू करेंगे। यहूदा का आम खत और उसकी पहली आयत से। सबने बाइबल खोल लिया? प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और यकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। आमीन। यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और यकूब का भाई है। थियोलॉजियन स्टडी बताती है यकूब जो है वो यीशु का भाई था, और यहूदा कहता है कि मैं यकूब का भाई हूं। वो डायरेक्ट अपने आप को यीशु का भाई नहीं कहता, इसलिए कि वो अपने आप को डाउन कर रहा है और वो इनडायरेक्ट अपने आप को कनेक्ट कर रहा है यीशु मसीह के साथ। तीसरी आयत में लिखा है आए प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जां फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। आमीन। यहूदा जो है अपने लेटर में जब नजात को फोकस कर रहा है, नजात को देख रहा है, तो वो एक लम्हा के लिए रुक गया है और उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी सेंस, उसकी जो तवज्जा है, वो एक अहम पहलू की तरफ गई है, और वो क्या है? फेथ। आए प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जब यहूदा कलीसिया को नजात की बाबत लिख रहा था, इन अ समवेयर ही स्टॉप, और उसने ये बेहतर जाना कि वो नसीहत करे। क्यों नसीहत करे? ईमान के लिए, क्योंकि ही अंडरस्टैंड इट के ईमान के बगैर जो नजात है वो इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। इसलिए उसने कहा, इससे पहले कि मैं नजात का काम करूं, मैं नजात पर लिख दूं, आई स्टॉप्ड हियर, पहले मैं इसे कंप्लीट कर दूं। You understand it? क्योंकि ईमान के बगैर निजात नहीं मिल सकती। जो ईमान लाएगा निजात पाएगा, जो ईमान लाएगा इकरार करेगा निजात पाएगा। इकरार क्या करेगा? That's other study. दिल से ईमान लाएगा, that is other study. लेकिन लाएगा क्या? ईमान लाएगा निजात पाएगा। इसलिए वो निजात को लिख रहा था, he stopped. उसने नसीहत की ईमान के बारे में, और ईमान के बारे में क्या नसीहत की है? तुम उस ईमान के वास्ते जाफिशानी करो
जो मुकदसों को एक ही बार सौंपा गया है। इसके लिए क्या करो जी, जाफिशानी। जाफिशानी के लिए दो लफ्ज ज्यादातर इस्तेमाल किए गए बाइबल के तर्जुमे। एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कंटेंट और दूसरा डिफेंड, यानी अपनी तमानाई लगाते हुए, कुवत खर्च करते हुए अपने ईमान का दिफा करो, अपने ईमान के लिए मुकाबला करो, अपने ईमान के लिए अबलीस से लड़ो। क्यों लड़ो? क्योंकि ईमान को खतरा है और इसको महफूज करना है। अगर आपका ईमान महफूज रहेगा, आपकी निजात महफूज रहेगी। अगर आपकी निजात महफूज रहेगी, यीशु आएगा, वो आपको ले जाएगा और आप बादशाहत में चले जाएंगे। इसलिए इससे बेशतर कि आप आसमान पर जाएं, आप निजात पाएं, यीशु आपको लेने आ जाए, आपको निजात के लिए ईमान को महफूज करना। अगर आपका ईमान महफूज है, आपकी निजात महफूज है। अगर आपकी निजात महफूज है, आप यीशु के साथ चले जाएंगे। वो जब भी आएगा आपको ले जाएगा। आपका ईमान आपको महफूज रखेगा। आमीन। सो इस ईमान को महफूज करने का मतलब ये नहीं है, ये वो वाला ईमान नहीं है कैंसर से शिफा पाना, ये वो वाला ईमान नहीं है किडनी से शिफा पाना। ये शिफा पाना, मौजा पाना, ये ऊपरी सतह है ईमान की, लेकिन ये उसकी रूट है, जड़ है, जिसको महफूज करने के लिए कहा जा रहा है। इसको महफूज करना है, ईमान की डॉक्ट्रिन को महफूज रखना है, ईमान की अंडरस्टैंडिंग को महफूज रखना है, ईमान को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसे खतरा है और अबलीस इसे चुराना चाहता है। और लिखा है यहां पर मुकदसों को एक ही बार सौंपा गया, वंस फॉर ऑल, एक ही दफा सबके लिए दे दिया गया है, वंस फॉर ऑल। इसको महफूज रखना है, इसके लिए स्ट्रगल करना है, इसके लिए क्या करना है, स्ट्रगल, मेहनत, मुशक्कत, खून पसीना एक करना है, मुश्किल सहनी है, दुख सहने, अपनी प्लेट में से उठा के देने, अपने अखराजात को कम करके इसके लिए एफर्ट करनी है, क्योंकि ये कीमती है, ये प्रीशियस है, इसे महफूज करना है, क्योंकि ये एक बार सौंपा गया है और ये सब के लिए, वंस फॉर ऑल है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, ये जेनरेशन टू जेनरेशन के लिए, इसे महफूज रखना है। इसके लिए क्या करनी है, जाफिशानी करनी है, जाफिशानी करनी है, ईमान के लिए जाफिशानी करनी है, ईमान को महफूज करने के लिए जाफिशानी करनी है, मेहनत करनी है, इसका दिफा करना है, इसे डिफेंड करना है, इसे महफूज रखना है, इसे जाने नहीं देना, क्योंकि इससे खतरा है, इससे खतरा हो गया है। क्यों खतरा हुआ है? चौथी आयत में लिखा है बाज ऐसे शख्स छुपके से हमें आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना से पेशतर लिखा गया था, ये वो बेदीन है और हमारे खुदा के फजल को शेवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आमीन। सो इसलिए हमने अपने ईमान को महफूज रखना है, सेफ रखना है, इसकी हिफाजत करनी है, इसकी रखवाली करनी है, जहां मर्जी जाओ इसकी डॉक्ट्रिन कायम रहनी चाहिए,
समझ रहे हैं, इसकी रूट्स जो हैं वो कायम रहनी चाहिए, इसे महफूज रखना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब्लीस जो है वो हमारे ईमान को टारगेट करता है हमें डिस्ट्रॉय करने के। जब आप अपने ईमान को खो देंगे आप अपनी निजात को भी खो देंगे, जब आप अपनी निजात खो देंगे किस्सा खत्म, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ डी एंड खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी बुनियाद की हिफाजत करनी है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है जो एक ही बार मुकद्दसीन को सौंपा गया है। इट्स नॉट ईजी किसी भी चीज पर ईमान ले है। नो, इसलिए जब ईमान की डेफिनेशन दी गई है बाइबल ने खुल के बताया, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से वजाहत की गई है। अगर सुनने से पैदा होता है लेकिन एहतियात बरतिएगा खुदा के कलाम से सुनिएगा। हर वो चीज जो खुदा के कलाम से बाहर है वो बकवास है, उसका कोई फायदा नहीं, वो डेविल स्टडी है, ईवल स्टडी है। बदरूहों का इल्म हो सकता है, अबलीस का इल्म हो सकता है। जितनी चीजें अच्छी थी, जितनी चीजें कारामत थी, जितनी चीजें बाबरकत थी, जितने इवेंट अच्छे थे, जितनी ईदें अच्छी थी, जितनी खुराक अच्छी थी, जितना मसा अच्छा था, जो कुछ खुदा हमें देना चाहता था और जितनी की हमें बर्दाश्त थी वो सब उसने अपने कलाम में शामिल कर दिया। जो कुछ अच्छा था, जो कुछ कीमती था, जो कुछ काफी था, जो कुछ हमारे लिए बेहतर था, वो सब कुछ खुदा ने बाइबल मुकद्दस में हमें दे दिया है। ये काफी है, इसी के वसीला से हम आसमान पर जा सकते हैं। दिस इज इनफ फॉर वर्शिप, ये काफी है प्रस्तिश के लिए, ये काफी है दुआ मांगने के लिए, ये काफी है ईमान रखने के लिए, ये काफी है आसमान पर जाने के लिए। एक्स्ट्रा चीजें आपके त्यारे को, आपकी फ्लाइट को उड़ान भरने नहीं देगी। इसका वेट, इसका वजन आपको तारीखी में ले जाएगा, आपको आसमान तक जाने नहीं देगा। सो रिमेंबर, मेरे ईमान के लिए खुदा का कलाम काफी है। आमीन। मेरे ईमान के लिए खुदा का कलाम काफी, वंस फॉर ऑल, जो एक ही बार सबको सौंपा गया है, इसे महफूज रखना, इस पे अड़े रहना। बाकी चीजें अगर मैं आपको कहूं ये कर लें, ये एक नई चीज है, मैं आपको एक चेन ले दूं और उस चेन में 10 लॉकेट डाल दूं, लॉकेट्स, और बोलूं ये चेन जो है ये मुकद्दस है और इसे पहन लो और इसे 10 बार आपने जो है आए हमारे बाप इस पे पढ़नी करनी है। ऐसा बाइबल में लिखा है, लॉकेट्स के बारे में लिखा है, चेन के बारे में लिखा है, तो फिर मैं गलत हूं, फिर मैं वो चीज बाइबल में शामिल कर रहा हूं जो उसमें नहीं है। तो दिस इज डेविल स्टडी। अबलीस चाहता है खुदा के कलाम में अमेजिश किया जाए, वो भी शामिल कर लिया जाए जो बाइबल में नहीं है। इट इज रॉन्ग। तो इन चीजों को तरजीह नहीं दें, ये बहुत पुरानी है, ये बहुत अच्छी है। सबसे पुराना खुदा है, उससे ना पहले कोई था और ना उसके बाद कोई होगा, खुदा इब्तिदा और इंतहा है। लकड़ी बाद में आई है, चौक, ये जो बुत होते हैं चौक के बनते हैं, ये बाद में आया है। प्लास्टिक जिसके हम चेने बनाकर गले में पहनते हैं, ये बाद में आई है। हुक्म, ये बाद में आए हैं, शरीयत बाद में आई है, लेकिन सबसे पहले खुदा है और उसके अंदर सारी चीजें अच्छी मौजूद हैं जो उसने हमें दी है। सो सबसे पहले खुदा को वैल्यूज, सबसे पहले खुदा को अपने आगे रखें, खुदावंद यीशु मसीह को अपने बारे में आगाह रखें कि मैंने कौन सी चीज पर अमल करना है।
यीशु मसीह के बारे में उतनी ही अंडरस्टैंडिंग रखे जितनी बाइबल में दी गई। ये ईमान है। मैं अपने मजमून से बाहर नहीं निकला, मैं बुनियाद में हूं, रूट्स में हूं। हमें क्या ईमान लगता है? शिफा ईमान है। नो, ये होगी, ये है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में उतना ही जानना जितना बाइबल बताती है, ये ईमान है। उतनी ही जानकारी पर कायम रहना जितना बाइबल बताती है, ये ईमान है। लेकिन अगर हम और बाइबल की ना सुने तो हम डेविल स्टडी पर जा रहे हैं। आप सब की सुनने के बाद या सब की सुनने से पहले आप बाइबल की सुने, क्योंकि जो कुछ जितना खुदा सुनाना चाहता है वो खुदा ने बाइबल में लिख दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए यीशु मसीह के बारे में कोई कहे जी मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, एक नई चीज मैं बताता हूं कि यीशु मसीह के दौर में जो उनका जूता था वो कौन सा मोची बनाता था। हमें इसकी जरूरत नहीं। फिर कोई कहे मैं आपको सेमिनरी में ऐसी तालीम दूंगा कि यीशु मसीह जिस पत्थर पर बैठते थे मैं उसकी भी उम्र निकाल दूंगा, जब बाइबल में नहीं बताई गई तो ये फजूल चीज है। उस दौर में मैं ये बताऊंगा जी बारिश कितने सेंटीमीटर हुई थी, इससे क्या नजात को फायदा है? फजूल चीजें साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। जैसे अक्सर जो है कुछ शोहर जो है वो बीवी पर गुस्सा करते हैं, जब मॉल में शॉपिंग के लिए लेके जाएं अपने अपनी बीवी को हर शख्स, तो अक्सर उकात ऐसा होता है चीज लेने जाते हैं लेकिन पोनी ले ली, टोनी ले ली, ये ले लिया, वो ले ली, फजूल चीजें साथ एक्स्ट्रा लगा ली। इस वेस्ट है। जितना यीशु के बारे में बताएंगे इनफ, बाइबल ने हमें काफी बता दिया। आमीन, ये काफी है। और फिर खुदा के बारे में जितना बाइबल ने बताया है उतना ही काफी है। रूहुल कुद्स के बारे में बाइबल ने जितना बताया है उतना वो किसी शक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा है उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करें, वैसे समझे, और फिर आपका ईमान जो है वो क्या रहेगा? महफूज रहेगा, सेव रहेगा। आप बच जाएंगे वरना मारे जाएंगे, लानत का शिकार हो जाएंगे। खुदा ने आपसे बाइबल में से जवाब लेना है। खुदा ने आपको मॉर्मन्स नहीं दिए, पेंटिकोस्टल कलीसिया नहीं दी, खुदा ने आपको कैथोलिक कलीसिया नहीं दी, खुदा ने आपको बाइबल दी है। हर शख्स के और खुदा के दरमियान बाइबल होगी और उसका हिसाब लिया जाएगा। कोई फादर या पास्टर साहब तो नहीं खड़े हो जाएंगे वकील बन के, कोई ऐसा बिशप तो नहीं वकील बनेगा। लिखा बाइबल में पादरी साहब वकालत करेंगे वहां पे, लिखा ऐसा कहीं से सुने तो फिर बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ। सो खुदा का कलाम आपके और खुदा के दरमियान। आमीन। सो अंडरस्टैंड इट। इसलिए हमें जांफिशानी करनी है, अपने ईमान को महफूज करने के लिए क्या करनी है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने क्या करनी है जी? जांफिशानी करनी है। क्या करने के लिए? उतना ही लेना है, उतना ही कबूल करना है, उतना ही समझना है जितना बाइबल में लिखा है। इसके लिए जांफिशानी करनी है, इसके लिए आपको मुकाबला करना है इब्लीस का। इब्लीस चाहता है या तो आप एक्स्ट्रा ले लें या तो फिर आप कम ले लें। एक बात होती है ना वो उतनी होनी चाहिए, लेकिन इब्लीस या तो उसे ज्यादा कर देगा या उसे घटा देगा। बात को ज्यादा करना भी झूठ है और बात को कम करना भी झूठ है, समझ रहे हैं आप?
हक झूठ है, और ज्यादा करना उससे खतरनाक झूठ है। तो ना तो हमने ज्यादा करना है कि झूठ की तरफ चले जाए, ना कम करना है कि हम पूरे न उतर सके। हमें उतना ही हुक्म को मानना है जितना बाइबल मुकद्दस में, और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इब्लीस के फरजान गुमराह करने के लिए घूम रहे हैं। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। दे ओनली नीड फाइनेंसेस। क्या नुकसान होगा, क्या किसी का फायदा होगा, दे डोंट केयर। अब्लीस के फरजंद जो हैं वो निकले हुए, और कुछ को पता है कि वो अब्लीस के फरजंद, लेकिन कुछ को नहीं पता, लेकिन वो गुमराह है और वो दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। विजिट करना अच्छी बात है, जाओ फसल बहुत है, जाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे विजिट करने से नहीं आए, आप मेरी तालीम देने से आए हैं। ये ज्यादा पावरफुल। तालीम दें, लोग आएंगे। मुझे समझ आ गया कि कुछ तालीम वाले भी लोग हैं, विजिट वाले नहीं हैं। आमीन। आप ज्यादा मजबूत हैं, आप ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि कुछ लोग गुस्सा कर लेते हैं, लो जी पास्टर साहब नहीं आते, उसी क्यों चाहिए, वो ना आए, यसु तो आते ही है। आमीन। अच्छी बात है, विजिट करना चाहिए, लेकिन तालीम हमें महफूज रखे। आमीन। सो फिर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं इस बात को कि लिखा है कि एक ही बार किनको सौंपा गया, मुकद्दसीन। ईमान किनको दिया गया, मुकद्दसों। वंस फॉर ऑल, एक ही बार दिया गया सबके लिए, और किनको दिया गया, मुकद्दसों को। ईमान किनको दिया गया, ये मुकद्दस कौन है, मुकद्दसीन कौन है, यीशु के शागिर्द और उन शागिर्दों के शागिर्द, रसूल मुकद्दसीन है। मैं आपको कोई चीज नहीं दे रहा। अब यहां पर मेरी बेटी है शिमाया, जब वो बड़ी होती है तो वो कलाम सुनती है, तो उसके लिए ये कलाम नया है। अब कलाम नया नहीं, वो नहीं है, कलाम वही है जो मुकद्दसीन को एक बार सौंपा गया। समझिए, हमें कलाम क्यों नया लगता है, क्योंकि हम नए हैं। कलाम वही है जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब को सौंपा गया है, वही हमारे पास आ रहा है, अभी तक महफूज है, और हमने इसको महफूज ही रखना है, सेव रखना है, बचाए रखना है, ताकि ये ऐसे ही दूसरों तक पहुंचे। बथेरे आएंगे, अमेजिश करेंगे, इसमें नई नई चीजें डालेंगे, लेकिन हमने इसको महफूज रखना है। आज भी बहुत सारे रसूल बनते हैं, आज भी बहुत सारे नबी बनते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज जो है वो वैल्यूज नहीं है जो बाइबल में रसूल और मुकद्दसी। आमीन। सो वो तालीम को दे सकते हैं, आज का रसूल, आज का नबी तालीम दे सकता है, इसको कन्वे कर सकता है, लेकिन वो तालीम को बदल नहीं सकता, वो रसूलों की तालीम को रिजेक्ट नहीं कर सकता। जो कुछ बाइबल में लिख दिया गया है, जो कुछ एक बार सौंप दिया गया है, आज के रसूल को, आज के नबी को वही देना है, क्योंकि वो एक ही बार महफूज कर दिया। आज के पास्टर को, आज के मुबशर को वही कलाम देना है जो एक बार सौंप दिया गया। कोई ये ना कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें एक नई तालीम दूं, कुछ नया नहीं है। आप नए हो सकते हैं,
खुदा कादर है और उसके अल्फाज कभी नहीं बदलते। हाँ, वो नए तौर से काम कर सकता है, उसके प्रिंसिपल का तरीका नया हो सकता है, लेकिन उसके कलाम की बुनियाद वही है जो इब्तिदा में उसमें है। आमीन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। लोग बदल रहे हैं, कुछ चर्चिस बदल रहे हैं, कुछ ईमान बदल रहे हैं। चर्च क्यों इतनी डिनोमिनेशन के पास बाइबल के तर्जमे फर्क हुए हैं? उधर लिखा है बाप है, फिर बेटा है, फिर रोल कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, यीशु मसीह है, एक नई कलीसिया। वाई, क्यों वो एक्स्ट्रा समझ में आ गया है? थोड़ी शर्म खाओ, चर्च को महफूज रहने दो, कलीसियाओं को बर्बाद नहीं करो, नई नई तालीमें मत दो, पैसे के लिए, यूरो के लिए, डॉलर्स के लिए, अच्छी आराइश के लिए खुदा की कलीसिया को बर्बाद ना करो। बाइबल एक ही है, हर इमारत में बाइबल की एक ही समझ आनी चाहिए। यहां पर भी बाइबल का एक ही तर्जुमा होना चाहिए, सिंगापुर में भी एक ही तर्जुमा होना चाहिए, मलेशिया में भी एक ही बाइबल को समझना चाहिए। हम क्यों अलग अलग समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हर बंदा चाहता है मैं कोई नवी गल करांगा, वेखी सारे हैरान ही रह जाएंगे। हैरान करना, मैं हैरान ही करना तो पादरी साहब सुर्खी ला लें, कलीसिया हैरान हो जाएगी। हैरान ही करना है ना, इससे पेशतर के आप कलीसिया को बर्बाद कर दें, हम मेकअप कर लें। हैरान जो करना है, किस दिन पोनी करके आ जाए, हैरान ही करना है ना। आप बजाइए के ऐसा हैरान कर दें, दुनिया को एक नई कलीसिया बना दें, सारे पुट्टे सीधे हो जाए। इट्स डेंजरस। आमीन। सो फिर आप बताएं, इसके लिए हमें मुकाबला करना पड़ेगा ना। इस मुकाबले का मतलब ये नहीं लड़ना पड़ेगा डंडे सोटों के साथ, अपने बच्चों को महफूज करना पड़ेगा। ये दोस्तियां करते हैं गुमराह करने वाले, टाइम मांगते हैं और एक नई बात का बीज बो के कलीसिया को गुमराह कर। इसलिए कलीसिया के पादरी को चैंपियन किलर होना चाहिए, दाऊद किसी रू वाला होना चाहिए, जिसने चैंपियन को मार दिया था, जो कहता था मैंने बथेरों को मारा है और मैं बचपन से जंग जो, उसके जेरे साया रहना चाहिए। जेड़े पादरी दा मुंह शुगर ना सुकिया होए, सोना घर दे विच महफूज करदा होए, पैसे लांदा ना होए, गरीब जा पाद उतो चंदे किट्ठे करदा होए, मैनू 1000 दो मैं आटा लैना है, मैनू 2000 दो मैं अंगूठी पानी है, मैं ब्याह ते जाना है, वो आपको क्या तालीम देगा? उसकी तो जरूरतें पूरी करने के लिए वो आपके पास आता है। यीशु मसीह की तरफ देखें, अपने कामिल करने वाले यीशु मसीह को। इसलिए जब आप चर्च को चूज करें, मैं आपको इंप्रेस नहीं कर रहा, जब आप चर्च को चूज करें, किसी चर्च का इंतखाब करें, तो पत्थर पुत्थर ना टो के वेखो, इन्हों के बेंच ठीक ने, बारों पलस्तर नहीं होया हुआ, प्लस्तर ने थोड़ी उत्ते लेके जाना, तालीम ने लेके जाना है। तालीम चेक करो, अगर बाइबल दे मुताबिक है, बाइबल दे वेच वेच ही रख दी है तालीम, तो फिर ठीक है, अगर बाइबल तो बार या बाइबल तो कट, तो सौदा साढ़े पा सकता नहीं, असी नहीं खरीदना, असी नहीं ये जाना, क्योंकि असी पूरी पूरी तालीम पा के अपने आप नु की करना चाहते हाँ, महफूज करना चाहते। आमीन आमीन। आगे बढ़े फिर। सो अपने एटीट्यूड को हमने तब्दील कर लिया, ऐसा नहीं है कोई परवाह ही नहीं है, सानू की लगे असी तो शिफा वास्ते जाने,
शिफा मिलती है, दैट्स इट। मैंने कभी कभी, मैं इस रवैये से गुजरा हूं, इस एटीट्यूड से। मेरा मकसद सिर्फ आपके लिए दुआ करना नहीं, इसके अंदर जो रूट है वो जड़ का मकसद ये है, आपके ईमान को महफूज करना। दुआ तो एक बहाना है खत खोलने का, अंदर तो ईमान की बुनियाद को कायम करना। आप मेरी बात समझ रहे? मैं कैसे किसी चीज को दुआ में बुलाऊंगा अगर वो मौजूद ही नहीं है? कलाम उसे मौजूद करेगा और मैं दुआ से उसको बुला लूंगा और आप उसे रिसीव कर लूंगे। आमीन। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं घर में गया लाइंस एरिया में दुआ करने, तो वहां पे एक भाई जो थे वो नहायत तकलीफ में थे और कहने लगे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये तो बता दिया है कि मुझ पर जादू है, फलां चीज है, फलां चीज है, और मैं चाहता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं। मैं बहुत तकलीफ में से गुजर रहा हूं, मैं 1.5 साल से चारपाई पर हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी जादूगर के पास जाऊं और उससे जाकर अपना मसला हल करा लूं। मैं इससे पेशतर के वहां जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं इस तकलीफ में। मरना तो सबने है, लेकिन मैं अपने ईमान को खो नहीं देना चाहता। मुझे ये ईमान पसंद आया, मुझे ये ईमान पसंद आया। कई मर्तबा हम कहते हैं ईमान गवाया जाता है, गुम हो जाए, जाया होता है, जाया हो जाए, लेकिन हमें किसी तरीके से शिफा मिल जाए, हम छुटकारा पा जाए। नो, अगर आप अपना ईमान गवा देंगे, ऐसी शिफा से बेहतर है आप अपनी जिंदगी गवा दें, आप अपना जिस्म गवा दें, क्योंकि इस जिस्म गवाने से सिर्फ जिस्म गवाचेगा, जिस्म गुम होगा, जिस्म लॉस होगा, लेकिन रूह लॉस नहीं होगी, वो खुदा के पास आएगी। इसलिए अपने ईमान को क्या करें? महफूज करें, इसकी खबर गिरी करें। ईमान कीमती, आखिरी बातें कर रहा हूं, हौसला रखें। ईमान क्या है? प्रीशियस, सब कहें कीमती है। ईमान क्या है? बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। एक दूसरे को कहें ईमान बहुत कीमती है। इसके लिए सफर करना पड़े, सफर करें। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़े, स्ट्रगल करें। इसके लिए रिक्शे पर बैठ के आना पड़े, डू इट। इसके लिए मोटरसाइकिल पर पंस पंस कर चार चार लोग बैठ कर आए, डू इट। इसके लिए आपको गाड़ी करवानी पड़े, डू इट। इसके लिए आपको पानी में से गुजरना पड़े, डू इट। इसके लिए आपको धूप में से गुजरना पड़े, डू इट। इसके लिए आपको दूर जाना पड़े, डू इट। इसके लिए आपको आग में से गुजरना पड़े, डू इट। इसके लिए सदरक मीसक अब्दनजू की तरह आपको भट्टी में डाला जाए, डू इट। इसके लिए चाहे आपको शेरों की मांद में डाला जाए, डू इट, डू इट। इसे होने दे, इसके लिए कर दीजिए, क्योंकि ईमान कीमती है। अगर आपने अपने ईमान को बचा लिया है, महफूज कर लिया है, तो सारी चीजें आप सेव कर सकते हैं। परेशान ना हो, मैंने अभी कहा बारिश में से भी गुजरना पड़े तो नूह की कश्ती लहरों में से हिलजुल रही थी, लेकिन वो गुजर गए। उनकी कश्ती इसलिए महफूज नहीं रही कि वो मजबूत थी, उनकी कश्ती इसलिए मजबूत रही क्योंकि उनका ईमान मजबूत था। आमीन। ईमान कीमती है, आपके कपड़ों से ज्यादा आपका ईमान कीमती होना चाहिए। देख ले, मेरी शर्ट सस्ती है, मेरा अंजील सुनाना महंगा, ये 1100-1200 रुपए की है, लेकिन जो मैं कलाम सुना रहा हूं वो लाखों रुपए का। जो इस कलाम को एडिट कर रहे हैं वो हजारों रुपए ले रहे, जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो हजारों रुपए, जो चैनल चल रहा है वो लाखों रुपए, चर्च चल रहा है लाखों रुपए। क्यों? अपने से महंगा आपका ईमान पे सर्व होना चाहिए, ताकि पता चले कीमती क्या है। समझ गए ना?
समझ गए ना, कीमती पे कीमत लगती है, कीमती पे कीमत लगती है। इसलिए जो मेरे अंदर है वो ईमान है और वो कीमती है। हम इस पैसे से घर बना सकते थे, हम भी सैर उत फ्री कर सकते थे, हम भी महफूज रह सकते थे, लेकिन सब कुछ दिया है। सम टाइम इस ईमान को महफूज करने के लिए हमें अपनी प्लेट में से भी देना पड़ता है। हम देते हैं, वी डोंट केयर आपकी फितरत क्या हमारे बारे में सोचती है। आपकी फितरत खुदा नहीं है, लेकिन मुझे सच बोलने दो, हमें पता है हम खिदमत कैसे करते हैं, हम सर्व कैसे करते हैं। वी नो, मैं जानता हूं, मेरी वाइफ जानती है, मेरे वालिद जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है, हमारी लीडरशिप जानती है। हाउ वी डू इट, लोगों को लगता है गोरे आते हैं, पैसा आता है, ये आता है, वो आता है। नो, ईमान को महफूज करने के लिए स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल होता है। अपने ईमान को महफूज करने के लिए स्ट्रगल करें। दुरुस्त ईमान के लिए किताबें प्रिंट करें, बुक्स प्रिंट करें, प्रेयर प्रिंट्स करें, इबादतें करें, इन्वेस्ट करें अंजील के लिए ताकि ईमान महफूज हो। मेहनत करें, किसी की जान बच जाती है ये पैसे से भी ज्यादा कीमती है, ये खून से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए यीशु ने खून को बहने दिया। ये अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए यीशु ने जान जाने दी। ये जख्म सहने से भी ज्यादा कीमती है, किसी को बचाना, रूहानी तौर पे महफूज करना, इसलिए यीशु ने अपनी जान दे दी। वो मर गया, उसने मरने दिया अपने जिस्म को, क्योंकि जान बचाना, रूह बचाना इंपॉर्टेंट था। आप समझ रहे हैं, महफूज करना इंपॉर्टेंट था। ईमान रूहों को महफूज करता है, दुल्हन को महफूज करता है। और याद रखें, अबलीस जो है वो कई तरीकों से बाइबल को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज इसे महफूज करें। आए हम सब मिलकर स्ट्रगल करें और हम इसको महफूज तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं। आमीन। मैसेज के आखिरी हिस्सा में आपके लिए इस खत को पढ़ने लगा, जरा सुनिए। यहूदा का आम खत, बाइबल मुकद्दस में से चौथी आयत से लिखा, क्योंकि बास ऐसे शख्स छुपके से हम में आ मिले हैं, जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना से पेशतर लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजीलत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचा तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदामंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीखी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। गौर से सुनिएगा, इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हराम मकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हकूमत को ना चीज जानते। कौन सी हकूमत को ना चीज जानते हैं? चर्च की हकूमत को। चर्च एक हकूमत है, उसे ना चीज जानते हैं और इज्जतदारों पर लानतान करते हैं। लेकिन मुकर्रफ फरिश्ता मीकाईल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहसो तकरार करते वक्त लानतान के साथ उस पर
नालिश करने की जुरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। सुनिए, मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उस पर लान तान करते हैं, और जिनको बेअकल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोर की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की जियाफतों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पुशीदा चट्टाने हैं। दरिया की पुशीदा चट्टाने, यानी जब बड़ी कश्ती आती है तो उसे समझ नहीं आती कि नीचे छुपी हुई चट्टाने हैं और वो उसके साथ टकरा के बर्बाद होती हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं, ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं, ये समंदर की पुरजोश मौजे हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं, ये वो आवारा गर्द फरिश्ते हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीखी धरी है। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से सातवीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकदसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनियों को उनकी बेदीनी के और उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उनकी मुखालफत में कही है कसूरवार ठहराए। ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफा के लिए लोगों की रवादारी करते हैं। लेकिन आए प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर जमाना में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं। तफरके का मतलब है प्राइवेट और सरकारी जो कहते हैं, और रू से बेबहरा हैं। मगर तुम आए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर हो। और बाज लोगों पर जो शक में हैं रहम करो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुर जलाल हजूर में कमाल खुशी बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जैसा अजल से है, अब भी हो और अब्दुलाबाद रहे, और कलीसिया कहे आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.